दोस्तों हाल ही में बहुत सारे जो कस्टमर के पास ना नोटिस दिया जा रहा है और उस नोटिस में ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपना लोन का ईएमआई चुकता नहीं करते हो या फिर अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जो है क्लियर नहीं करते हो तो आपका जो पैन कार्ड है उसको ब्लॉक किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि हाल ही में जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बजट पेश किया गया था, तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन या फिर अध्यादेश लिया गया है जहां पे ये बोला गया है कि जो भी डिफॉल्टर है, जो कि राइट ऑफ हो चुका है या फिर डिफॉल्टर या फिर एनपीए हो चुका है, जो है पैन कार्ड अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्या ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है? सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई लीगल नोटिस आया है या फिर आप भी जो है डिफॉल्टर हो चुका, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये वीडियो को कंप्लीटली देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर इन फ्यूचर आपको भी ऐसा कोई नोटिस आता है तो आपको जो है क्या एक्शन लेना है, तो इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। सो दोस्तों मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो रेगुलरली आते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आज सुबह हमारे ही एक सब्सक्राइबर जो है मुझे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया कि सर देखिए मुझे जो है ये नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिस आया है मुझे, और उन्होंने एक लोन लिया था एक जो है कंपनी से, एक एनबीएफसी से लोन लिया था, और उनको उस नोटिस में लिखा था कि अगर आप अपना पेमेंट नहीं कराते हो तो आपका पैन कार्ड को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उन्होंने हमसे ये क्लैरिफिकेशन मांगा, सर क्या ऐसा हो सकता है? देखिए आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो पैन कार्ड होता है दो चीज़ों के लिए लिया जाता है, एक तो होता है आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो कि ऐसे पैन कार्ड हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है, दूसरा है दोस्तों आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट होता है, जो क्रेडिट हिस्ट्री होता है उसको ट्रैक करने के लिए कि बैंक और एनबीएफसी जो है आपसे लेता है, जिससे कि आपका पुराना क्रेडिट हिस्ट्री या फिर क्रेडिट रिपोर्ट चेक किया जाए। इसके अलावा पैन कार्ड का कोई भी तीसरा काम नहीं है। अभी सवाल ये बनता है कि अगर आप पेमेंट डिफॉल्ट कर देते हो तो क्या बैंक और एनबीएफसी के पास ये राइट होता है कि आपका पैन कार्ड को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए या फिर ब्लॉक कर दिया जाए? देखिए आपको बताना चाहूँगा, हाँ जरूर ये उनके पास राइट होता है कि अगर आप पेमेंट डिफॉल्ट करते हो तो आपका जो पेमेंट का जो डिटेल्स है, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो ख़राब कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैन कार्ड ब्लॉक कर दे, ब्लैक लिस्टेड कर दे, ऐसा कोई भी राइट ना तो भारत सरकार ना तो आरबीआई ने दिया है कोई भी एनबीएफसी या फिर बैंक को। अब सवाल ये बनता है, ये जो नोटिस आ रही है या फिर नोटिस में कहा जा रहा है कि आपका पैन कार्ड को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो ये क्या है? देखिए दोस्तों ये जो है फर्जी है, जो कि चवन्नी छाप आपको पता है, जो जो कलेक्शन एजेंट होता है ये लोग आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए या फिर आपको नॉलेज ना होने के कारण आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए इस तरीके से फर्जी जो है लीगल नोटिस भेजता है। सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई फर्जी लीगल नोटिस आया है तो उसको आप इग्नोर करिए। हाँ डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा आपका जो है पेमेंट टाइम पे करिए, क्योंकि अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते या फिर पेमेंट नहीं कराते हो तो आपका जो फिनेंशियल रिकॉर्ड होता है वो होता है बहुत इंपैक्ट डाल के, आपको ही जो है दिक्कत आ सकती है कोई भी लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेने में। सो इस टाइप का अगर कोई भी लीगल नोटिस आता है वो टोटली फेक होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसको इग्नोर करिए। आई होप दोस्तों ये टॉपिक के ऊपर, ये सब्जेक्ट के ऊपर आपका कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आता है या फिर आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आया है तो मुझे जरूर बताइए इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।